सुनैना जी एक बहुत बड़े रईस खानदान की बेटी थी। घर में उनके राजकुमारी जैसे ठाट पाट थे। बचपन से ही उन्हें हर काम सीखने का बहुत शौक था। बेटी की बुद्धिता और शौक देखते हुए उसकी माता पिता ने उन्हें सारे हुनर सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। विवाह के लायक होने पर सुनैना जी हर काम में माहिर हो चुकी थी, चाहे सिलाई हो, कढ़ाई हो, बुनाई हो या फिर खाना पकाना हो या किसी भी प्रकार की पेंटिंग बनाना हो, हर काम में बड़ी सफाई से किया करती। किंतु कम उम्र में ही उनका विवाह मनोहर लाल जी के साथ हो गया। वे कपड़े की छोटी सी दुकान चलाते थे। मनोहर लाल जी अमीर ना सही परंतु बड़े सज्जन व्यक्ति थे। उनकी सज्जनता से मोहित होकर सुनैना जी के माता पिता ने उन्हें अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया। मनोहर लाल जी की कमाई से घर खर्च मुश्किल से पूरा हो पाता, लेकिन सुनैना जी अपनी सूझबूझ और हुनर से अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए घर की सारी जिम्मेदारी संभालती। सुनैना जी अपने दोनों बच्चे, बड़ी बेटी रूमा और छोटे बेटे प्रांजल को उस शिक्षा दिलवाने के लिए उन्होंने क्या कुछ जतन नहीं करे। अपनी सूझबूझ और हुनर से कभी स्वादिष्ट अचार पापड़ बनाकर बेचे, तो कभी चादरों पर अलग अलग प्रकार की फूल पत्तियां वाली कढ़ाई करके बेची, कभी मोहल्ले की औरतों को एक से बढ़कर एक डिजाइन वाले ब्लाउज और सूट सिलकर, तो कभी जाड़ों में स्वेटर बनाकर बेचे। सुनैना जी के हुनर के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। सुनैना जी एक अच्छी पत्नी और माँ के साथ साथ एक अच्छी बहू भी थी। अपने सास ससुर की खूब सेवा करती। दोनों पति पत्नी अपनी सूझबूझ, अपने हुनर और प्यार से घर को संवार रहे थे। अचानक लिवर कैंसर ने मनोहर लाल जी को ऐसा घेरा कि फिर वो बिस्तर से उठ नहीं पाए। काफी इलाज करवाने के बाद भी अपनी प्यारी पत्नी और बच्चों को अकेला छोड़कर चल बसे। पति की मौत के बाद सुनैना जी को ऐसा सदमा लगा कि वो बीमार सी रहने लगी। प्रांजल उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया और सारे चेक भी करवाए, परंतु सारे टेस्ट नॉर्मल थे। डॉक्टर ने कहा कि माँ जी को कोई बीमारी नहीं, उन्हें कोई ऐसा सदमा लगा है जो उन्हें अंदर ही अंदर से खाया जा रहा है। अब माँ जी के खाने पीने का भली भांति ख्याल रखें, उन्हें खुश रखें, अपनी जिंदगी की तरफ वो लौट आएंगी। मनोहर लाल जी के गुजर जाने के बाद तो सुनैना जी को और भी ज्यादा मेहनत करी। बेटी रोमा की शादी तो मनोहर लाल जी ने अपने जीते जी ही कर दी, परंतु प्रांजल अब तक पड़ी रहा था। रोमा शादी के 6 साल बाद कनाडा में सेटल हो गई। वहां पर रोमा और उसके पति रोहन जी दोनों ही नौकरी किया करते, इसलिए रोमा माँ से बात करने का भी कम ही समय निकाल पाती। फिर वैसे भी सुनैना जी को कुछ कम सुनाई देने लगा, इसलिए रोमा अपने भाई से ही फोन पर माँ की तबीयत मालूम कर लिया करती। प्रांजल की जिम्मेदारी अब सुनैना जी के कंधों पर बाकी थी, इसलिए खुद को उन्होंने किसी तरीके से संभाला और वापस जिंदगी की तरफ लौट आए। प्रांजल अब पढ़ लिख कर नौकरी लग चुका था, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना प्रांजल का विवाह कराकर एक प्यारी बहू घर में ले आए। बहू के आने से घर में रौनक हो जाएगी, साथ ही साथ वो घर के काम में मेरा हाथ भी बता देगी, मैं अपने घर के और काम कर पाऊंगी। लेकिन सुनैना जी को क्या पता था, प्रिया के रूप में वो दुल्हन नहीं बल्कि अपने घर में नागिन लेकर आ रही है, जो उनको डसकर डकार भी नहीं लेगी। अभी तो पति की मौत के जख्म भी हरे थे, अभी मनोहर लाल जी का सदमा उनके दिल और दिमाग से निकला भी नहीं था। ऊपर से बहू के व्यवहार ने उनको फिर से राह पर लाकर खड़ा कर दिया। घर की जिम्मेदारी सुनैना जी ने ना जाने कब से संभाली हुई थी, परंतु प्रिया बात बात पर उनको जो मानसिक टॉर्चर करती थी वो उनके बर्दाश्त के बाहर थी। एक दिन सुनैना जी अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी बहू चिल्लाकर बोली, ए बुढ़िया, अरे कहाँ मर गई, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो लेकर आना। सुनैना जी ने कहा, अभी आई। सुनैना जी बहू के लिए जल्दी जल्दी पानी लेकर आती है। बहू पानी पीने की बजाय फेंक देती है और कह देती है, बुढ़िया इस ग्लास में पानी नहीं बल्कि उस वाले नए वाले ग्लास में पानी लेकर आ। सुनैना जी दोबारा नए वाले ग्लास में पानी लेकर आती है तो प्रिया ने फिर से पानी फेंक दिया और बोली, बुढ़िया नॉर्मल नहीं, मुझे ठंडा पानी चाहिए, जा दोबारा लेकर आ। सुनैना जी बहू के कहे मुताबिक फिर से पानी लेकर आती है और इस बार बहू ने पानी का ग्लास सुनैना जी के मुंह पर ही दे मारा और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बुढ़िया पूरा ग्लास नहीं सिर्फ आधा ग्लास बोला था। सुनैना जी ने फिर आधा ग्लास पानी लेकर आई, तब जाकर बहू ने पानी पिया। इस तरह का बर्ताव सुनैना जी के साथ किया जाता था। एक बार सुनैना जी सोकर उठी तो उनको कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने अपना सुंदर चेहरा आईने में देखा तो चिल्ला पड़ी, क्योंकि प्रिया ने उनके लंबे घने बाल काट डाले। सुनैना जी रोते रोते बेहोश हो गई, भगवान मेरे इतने घने लंबे बाल काट डाले। रोते रोते उन्हें अपने लंबे बाल याद आ रहे थे। इसी तरह प्रिया ने कई बार अपनी सास की नई साड़ी भी कैंची से कुतर डाली, तब भी सुनैना जी बहुत रोई। प्रिया जानबूझकर
सुनैना जी की चाय में चीनी की जगह नमक डाल देती, कभी उनको बाथरूम में लॉक कर देती। जब सुनैना जी बाथरूम में काफी देर चिल्लाते चिल्लाते थक जाती, तब काफी देर बाद जाकर बाथरूम का लॉक खोलती। वे बाथरूम से हैरान परेशान निकलती। प्रांजल तो प्रिया के हाथों की कठपुतली बन चुका था। वे उनकी सारी यातनाओं और पीड़ा को भूल चुका था जो उसकी माँ ने सिर्फ और सिर्फ उनके खातिर सही थी। उधर प्रिया की हरकतों की वजह से सुनैना जी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने तो मनोहर लाल जी की मौत के बाद भी कहा था कि सुनैना जी को हर तरह की टेंशन से दूर रखा जाए, लेकिन टेंशन तो बहुत छोटी चीज थी। यह प्रिया के रूप में टेंशन का बहुत बड़ा पहाड़ उन पर टूट पड़ा था। आज बहुत तेज गर्मी का दिन था। तपा देने वाली गर्मी से हर कोई परेशान था। सुनैना जी पगली सी अपने कमरे के दरवाजे में बैठी हुई थी। बिजली गई हुई थी। वैसे भी उनके कमरे में जो पंखा लगा हुआ था वो भी खराब था। गर्मी से उनका बुरा हाल था। गर्मी की वजह से जो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों से उनका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं था। अचानक से वो दरवाजे से उठी और बाहर आंगन में लगी टंकी के पास आकर बैठ गई। अपने कपड़े निकालकर वहीं बैठकर अपने ऊपर पानी डालने लगी। तभी बच्चा बोल पड़ा, हाँ दादी, शेम शेम, दादी बाहर ही नहा रही हैं। पागल दादी बाथरूम में नहीं नहाती। 3 साल का सक्षम और 4 साल की सोनी ने जब अपनी दादी को बाहर आंगन में बिना कपड़ों के नहाते हुए देखा तो हंस हंस कर दादी का मजाक बनाने लगे। बच्चों की आवाज सुनकर बहू प्रिया बाहर आ गई और सुनैना जी को देखकर बोली, हे भगवान, इस बुढ़िया को तो शर्म ही नहीं, जहां मन करता है वहीं बैठकर नहा लेती है। शर्म नाम की कोई चीज नहीं। बहू, बेटा और बच्चे भी घर में, बुढ़िया तो पागल ही हो गई है, हमें भी पागल करके ही छोड़ेगी। चलो बच्चों, तुम अंदर कमरे में चलो, इसका कोई भरोसा नहीं कब किसको कोई नुकसान पहुंचा दे। दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर बच्चों को अंदर ले गई। सुनैना जी बिना कुछ कहे अपने कपड़े उठाकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह जब सुनैना जी पड़ोसन शीतल जी के सोकर उठी और बाहर आंगन में आई तो सुनैना जी को देखकर वो चौंक गई। सुनैना जी आंगन में उनके कुत्ते की थाली में खाना उठाकर खा रही थी। अरे अरे सुनैना बहन, ये क्या कर रही हो? तुम्हें तो ये कुत्ते का खाना है, तुम इसे मत खाओ। चलो मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें नाश्ता बनाकर देती हूँ। शीतल जी सुनैना जी का हाथ पकड़कर अपने साथ उन्हें अंदर ले गई और उनके लिए गरम गरम चाय और पराठे बनाकर लेकर आई। बड़े प्यार से उनको खिलाया और खुद भी खाया। सुनैना जी खाने को देखकर ऐसे टूट पड़ी जैसे कई दिनों से भूखी हूँ। शीतल जी उन्हें ऐसे खाते देखकर मन ही मन बोली, भगवान, मेरी तुझसे विनती है कि ऐसा बेटा बहू किसी दुश्मन को भी ना दे। शीतल जी सुनैना जी को नाश्ता कराकर उनको घर छोड़कर आई और उनकी बहू प्रिया को उनका ख्याल रखने को बोल कर आई। शीतल जी के जाने के बाद बहू प्रिया अपनी सास को धक्का देकर बोली, इस पागल बुढ़िया ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। पता नहीं कैसे नजर चुरा कर बुढ़िया बाहर भाग जाती है, पड़ोसियों के सामने भी मेरी बेइज्जती करवाती है, पागल बुढ़िया कहेंगे। सुनैना जी बेचारी कुछ नहीं बोली। वो अपनी सुध-बुध हार चुकी थी। चाहे उन्हें मारो, पीटो, धक्का दो, गालियां दो, वो बेचारी कुछ भी नहीं कहती। जब स्वस्थ थी तब भी उनमें जालिम बहू का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अब मानसिक संतुलन बिगड़ जाने पर वे बहू को क्या कह सकती थी। प्रिया ने अपनी सास को उनके कमरे में बंद कर दिया और खुद बड़बड़ करती अपने कमरे में सोने चली गई। शाम को ऑफिस से जब प्रांजल घर आया तो आते ही पति पर बरस पड़ी। क्या जी, क्या समझ रखा है आपने मुझे, कोई रोबोट मशीन हूँ क्या? घर का सारा काम करूँ और आपके दोनों बच्चों को भी संभालूँ, उनको स्कूल भेजूँ और फिर इनका होमवर्क कराऊँ और आपकी पागल माँ को भी संभालूँ? वो गुस्से में एक सांस में सब बोलती चली जा रही थी। जब बुढ़िया भली चंगी थी तो मुझे बेड से पैर उतारने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, पर जब से बुढ़िया पागल हो गई है सारे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर आ पड़ी है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अब ये पागल बुढ़िया हमारे किसी काम की नहीं रही। इसके घर में रहने से मेरा काम और भी बिगड़ता है, पर आप तो सुबह शाम ऑफिस चले जाते हैं और शाम में लौटते हैं, लेकिन मुझे सारे दिन इस बुढ़िया की चौकीदारी करनी पड़ती है। आप इसे पागल खाने क्यों नहीं भर्ती करवा देते, मुझे भी चैन की सांस मिल जाएगी। बल्कि कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि कहीं ये मुझे और मेरे बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इससे पहले प्रांजल कुछ कहता कि पड़ोस का एक बच्चा भागता हुआ आया और बोला, प्रांजल चाचा, प्रिया चाची बाहर चली, देखी दादी माँ बाहर क्या कर रही हैं। बच्चे की बात सुनकर प्रांजल और प्रिया दोनों बाहर भागे। घर के बाहर जो कपड़े प्रेस करने वाले भैया थे, सुनैना जी उस बेचारे के प्रेस के सारे कपड़े सड़क पर फेंक रही थी और हंस हंस कर खूब तालियां बजा रहे थे। प्रेस वाले भैया बेचारे अपने कपड़े समेटने में लगे हुए थे। प्रांजल और प्रिया अपनी माँ को खींचकर अंदर ले जाते हैं। अपनी माँ पर हाथ उठाते उठाते रुक जाता है और फिर दांत पीसते हुए प्रिया से कहता है, प्रिया तुमने इसको घर के कमरे में बंद कर दिया,
तो बाहर कैसे निकली? प्रिया बोली, हां जी मैंने इसे कमरे में बंद किया था, ना जाने कैसे बाहर आ गई। तुम सही कहती थी, इसकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इस पागल का सच में कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर दे। तुम सही कहती थी, अब पागल खाने ही में से छोड़ कर आऊँगा, वरना ये हमें भी पागल कर देगी अपने साथ साथ। सुनैना जी को कोने में सहमी सी खड़ी रही। प्रांजल बोला, तुम फिक्र मत करो प्रिया, बस मेरी छुट्टी होने का इंतज़ार करो। जैसे ही छुट्टी मिलती है मैं पागल खाने से जाकर छोड़ आऊँगा और वहाँ डॉक्टर से बात भी कर आऊँगा, तब जाकर हमें से छुटकारा मिलेगा। इधर रोमा अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। पूरे 3 साल बाद अपनी माँ को देखने वाली थी। उसने इंडिया आने के लिए काफ़ी दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। अपने माँ के लिए उसने बहुत सारे उपहार खरीद कर रखे थे। जैसे ही उसे वक्त मिलता उसकी पैकिंग करने लग जाती। अरे अरे ये तो मैं भूल ही जाती, मेरा दिमाग भी ना जाने कैसा हो गया है। रोमा हड़बड़ाहट में पैकिंग करते हुए बोली, हाँ रोमा तुम्हारा दिमाग अब पहले वाला नहीं, जो एक बार में ही सब याद रह जाता। देखो तुमने ये भी नहीं रखा जो मैं लाया था। उनके पति रोहन ने ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स पकड़ाते हुए कहा, जी मैंने ये सब नहीं किया। रोमा के बेटे तने अपनी नानी के रिंग देते हुए कहा, अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा सुनो हमारी सब पैकिंग हो गई है ना, आप फिर भी एक बार घर में नजर मार लेना, कुछ रहा तो नहीं। ठीक है रोमा देख लूंगा। इस तरह उनकी इंडिया आने की तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही थी। फिर अगले दिन सभी दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंच गए। अपने धरती पर पैर रखते ही दिल बाग बाग हो गया। अपनी आंखों से पूरे 3 साल बाद अपना वतन देख रहे थे तो खुशी का ठिकाना नहीं था। एयरपोर्ट से घर आने तक रोमा को सफर के दौरान एक औरत और मिल गई थी, जिसे रोमा ने सब बातें बताई कि वो 3 साल बाद इंडिया अपने देश घर वापस आ रही है और अपनी माँ की सारी बातें सारे हुनर उसने बता डाले। आंटी जी मेरी माँ ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर, मुझे अपनी माँ पर बहुत गर्व है। अपनी माँ का कोई काम ऐसा नहीं जो उन्हें ना आता हो, हर काम में वो बिल्कुल परफेक्ट है, मेरी मम्मी, रोमा ने बड़े इतराते हुए कहा। हाँ बेटी होगी ही, तुम्हारी माँ बहुत हुनर वाली, पहले औरतें तो बहुत माहिर होती थी हर काम में, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत संस्कारी है, ये तो तुम्हें देखकर तुमसे बातें करके पता ही चली गया। रोमा अपनी माँ की तारीफ सुनकर चहक उठी। बातों बातों में सफर कब पूरा हो गया पता भी नहीं चला। अब आंटी जी भी अलविदा कहने का वक्त आ गया था। आंटी जी कभी घर आना माँ से मिलने। हाँ बेटा कभी मौका मिला तो जरूर आऊंगी। ठीक है बेटा चलती हूँ। ठीक है आंटी बाय बाय। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। घर थोड़ी दूर पर था। रोमा की धड़कनें तेज हो रही थी। जैसे ही वो सभी घर के बाहर पहुंचे तो उन्हें देखते ही घर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को अपने घर के बाहर इकट्ठा देख रोमा घबरा गई। वे गाड़ी से उतरी और आगे बढ़ी तो लोगों ने कुछ कहा सुनी चल रही थी। उसे जानने की कोशिश की तो कुछ पता चल ही नहीं पाया, बस लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। उसका दिल बैठा जा रहा था। घर के अंदर घुसी तो नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आँखें फटी की फटी रह गई। बिखरे बाल, बड़े बड़े नाखून, जंजीरों से बंधे अपनी माँ को देखकर, सूखे होंठ, खाली त्वचा, फटे पुराने कपड़े, नंगे पैर, हाल बेहाल उसकी माँ सिर झुकाए जंजीरों से बंधी बैठी है। रोमा की आंखों के आगे अपनी माँ की तस्वीर उतरने लगी। ये उसकी वही माँ है जिसने विदेश भेजते हुए कई बातें याद रखने को बोली थी। वही साफ सुथरी माँ जिसे ज़रा भी गंदगी बर्दाश्त नहीं थी। वही दिमागदार माँ जो हर काम में चुटकी बजाकर पूरा कर दिया करती। वही माँ जिसने हमें परवरिश दी। ये सब सोचते हुए अपनी माँ की तरफ बढ़ी और नीचे ही फर्श पर माँ के पास बैठकर सबसे पहले अपनी माँ की जंजीरें खोली और फिर माँ का हाथ पकड़ा तो माँ डर गई। माँ मैं रोमा, आपकी रोमा माँ, आपकी बेटी, आपकी प्यारी बेटी माँ। माँ ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश करने लगी, क्योंकि माँ की एक ऐसा प्राणी है जो पागल भी हो जाए तब भी अपनी औलाद को नहीं भूलती। उन्होंने बहुत गौर से रोमा को देखा, बोली रोमा मेरी रोमा क्या? हाँ माँ आपकी रोमा। इतना सुनकर वो बिलख बिलख कर रोने लगी। रोमा ने अपनी माँ को सीने से लगा लिया। एक तरफ खड़ी प्रिया ये सब नज़ारा देख रही थी। रोहन और तन्मय भी माँ के पास आकर बैठ गए। किस्मत भी क्या खेल खेलती है, 3 साल बाद माँ बेटी का मिलन हुआ, वो भी तो कैसे। फिर रोमा ने अपनी भाभी प्रिया से पूछा, भाभी ये सब क्या है और ये सब कैसे हुआ? माँ तो भली चंगी थी तो माँ की ऐसी हालत क्यों हो गई? रोमा ने कई सवाल एक साथ करे। रोमा के सवालों से प्रिया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई थी। रोमा अपनी माँ की तरह ही दिमागदार लड़की थी। उसने भाभी के चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगा लिया और खड़े होकर भाभी के पास आई।
और उसने फिर से वही सवाल दोहराए तो प्रिया एकदम सक पका गई और बोली, माँ जी तो पागल हो गई हैं, इसलिए बांधा है इन्हें, सबको परेशान करती हैं। इतना सुनते ही रोमा ने खींच कर एक चाटा गाल पर जड़ दिया। प्रिया चिल्ला उठी, मुझे क्यों मार रही हो, तुम्हारी माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा है, पागल खाने जाएगी तुम्हारी माँ। रोमा ने अपने पैर से चप्पल निकाल कर प्रिया को बजा डाली। प्रिया चिल्लाते हुए अपने कमरे में जा घुसी और दरवाज़ा बंद कर लिया। तभी वहाँ रोमा का भाई प्रांजल आ गया, रोमा को देखकर घबरा गया। रोमा ने प्रांजल को भी यही सवाल किए तो वो भी यही जवाब देने लगा। रोमा ने खींच कर प्रांजल को चाटा जड़ दिया। वह गाल पर हाथ रखे एक तरफ खड़ा हो गया और कहने लगा, हम क्या करें जब माँ पागल हो गई हैं, परेशान करती हैं, अब पागल खाने तो भेजना ही पड़ेगा, मेरी बात हो गई, कल पागल खाने वाले आ जाएंगे, माँ कहीं नहीं जाएगी बल्कि तुम लोग पागल खाने जाओगे, पागल खाने तुम्हारे ऊपर मेंटल हरासमेंट का केस करूंगी, तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी, मैं मेरी माँ की तुमने क्या हालत बना डाली है, तुम पापी लोग हो, एक माँ तक नहीं संभाली गई तुमसे, अब देखना तुम्हारा मैं क्या हाल करती हूँ। इतना बोलकर रोमा अपनी माँ को उठाकर अपने कमरे में ले गई और रोहन ने खाना ऑर्डर कर दिया। रोमा ने अपनी माँ को नहलाया और शरीर में तेल लगाकर मालिश की। उनके लिए जो कपड़े लेकर आई थी उसने वो निकाले और अपनी माँ को बहुत प्यार से वो कपड़े पहनाए। तब तक खाना भी आ चुका था। उसने अपनी माँ को हाथों से खाना खिलाया, उनका मुंह साफ किया, तब तक बाल भी सूख गए, बाल बांधे और माँ पहले की तरह दिखने लगी। अपनी माँ को तैयार करते करते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वहाँ पड़ोसन भी आ गई, पति और बच्चों संग रोमा को देख बहुत खुश हो गई और जब सुनैना जी पर नज़र पड़ी तो देखती रह गई और फिर बोली, कितनी सुंदर दिख रही हैं, जैसे पहले कभी दिखती थी, आज बेटी के आने से सुनैना जी लग रही हैं, नहीं तो इसे देख मुझे बहुत रोना आता था, लेकिन आंटी जी माँ के साथ क्या हो गया, उन्होंने माँ के साथ क्या किया है ऐसा जो माँ को पागल कर दिया, रोमा ने बहुत गहराई से पूछा। बेटा क्या बताऊं, जब से प्रिया इस घर में आई है इस घर को नरक बना डाला है, सुनैना ने इस घर को स्वर्ग बना रखा था, इस डायन ने घर को बर्बाद कर डाला है, सुनैना को पागल करके उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, इससे सारे काम करवाती, पति के आगे ऐसे दिखाती कि जैसे वो सब कुछ खुद करती है, और तो और इसे आते जाते छेड़ती थी, इसकी चोटी काट दी, ये झाड़ू लगाती थी, पीछे से कहीं छिलके गिरा देती, दरवाज़ा बार बार खोल बंद करती, उसको चू चू की आवाज़ करवाती, ऐसी हरकतें करती जिससे कि उसके दिमाग पर असर पड़ता। ये बात सुन रोमा के अंदर और गुस्सा भर गया, उसने दोनों पर मेंटल हरासमेंट का केस कर दिया। दोनों भाई भाभी ने बहुत माफ़ी मांगी लेकिन रोमा ने उन्हें माफ़ नहीं किया, उन्हें अपने किए का परिणाम भुगतना पड़ा। रोमा अपनी माँ को अपने साथ विदेश ले गई और वहाँ अच्छे से उनका इलाज करवाया, जिससे दिन प्रतिदिन उनकी माँ सेहत में काफ़ी सुधार आने लगा। वे अपने पुराने जीवन की ओर लौटने लगी और एक दिन बिल्कुल सही हो गई। रोमा अपनी माँ की सेवा में कोई कमी नहीं करती और रोहन तन में भी उनकी सेवा के लिए आगे पीछे लगे रहते। उनके प्यार देखभाल मान सम्मान से सुनैना जी जल्दी ठीक हो गई और बेटी दामाद और नाती के साथ सुखमय जीवन का मजा लेने लगी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अपनी ईशा का इंतज़ार करना, दोबारा मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद।